वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में ग्रीन लैंड कंस्ट्रक्शन आपके लिए लाया है किचन की 120 गज़ के घर के किचन की नापतोल और उस पर आने वाली लागत। तो ये एक सैम्पल के तौर पे हमने आपको एक कैलकुलेशन दी है इस वीडियो के अंदर, जिसके मुताबिक 123,300 रुपये में आपका किचन तैयार हो रहा है। और इसमें अप्लाइंसेस यानी चूल्हा, बेसन और चिमनी शामिल है। अच्छा, ये सब चीज़ें जो हैं स्टार्टिंग कॉस्ट की हैं, यानी स्टार्टअप कॉस्ट। चूल्हा जैसे 6,000 का हमने इसमें लगाया हुआ है, चिमनी 16,000 की लगाई हुई, आगे इसकी सारी डिटेल आ रही है, और बेसन 5,000 से 6,000 रुपये का लगाया हुआ है। अब आप ये वीडियो हमारी शुरू हो रही है, देखें इसमें ग्रे स्ट्रक्चर, जो किचन की ब्लॉक उसकी फिर चुनाई होती है, 50 ब्लॉक तकरीबन लगते हैं, 5 बोरी सीमेंट पर उसका चुनाई प्लस्तर हो जाता है, मार्बल का स्लैब जो कि 40 स्क्वायर फुट बन रहा है, यानी 20 रनिंग फुट जो है वो उसकी लेंथें हैं और 2 फुट वो चौड़ा है। इसमें टाइल का तखमीना इसमें है 3 मीटर का, 11,000 रुपये से 1,300 रुपये तक का आप लगा सकते हैं। किचन के बैक बॉक्स के लिए 4 शीटें हैं 2,400 रुपये के हिसाब से, फ्रंट के लिए आपकी 2 शीटें हैं, कीमत जो है वो 2,900 से 6,800 तक है, डिपेंड करता है कि आप क्या लगा रहे हैं। हमने इसमें सुपर ग्लोव की 6,800 रुपये दी है। हार्डवेयर यानी कैचर, कब्ज़ा, चैनल वगैरह 8,000 रुपये के लग जाते हैं। हैंडल अप्लाइंसेस टोटल जो है इसमें 6,000, 16 यानी 22,000 और 5,000 यानी कि 27,000 से 28,000 रुपये की आपकी अप्लाइंसेस इसमें लग रही हैं। अच्छा, ये अब हमने कैलकुलेशन करके दिखाई आपको स्लैब की एक दफ़ा फिर। टोटल रनिंग फुट लेंथ इसकी 20 फुट है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 40 स्क्वायर फुट आ जाता है। ये जो मार्बल टॉप आपको दिख रहा है वीडियो के अंदर, और इसमें 28 इंच चौड़ाई का चूल्हा लगा हुआ है। ये देखें सब की कीमतें मैंने यहाँ लिख दी हैं, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्लैब 7,200 का पड़ रहा है, स्लैब पे गोला पट्टी जो है वो 2,800 रुपये की, लगवाई 4,000 की, इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मैंने कैलकुलेट करके दिखा दी। इस हिसाब से कुल कीमत आपकी आई 120 गज के घर के किचन की ग्रे स्ट्रक्चर समेत, मार्बल टॉप, चूल्हा, फुट, चिमनी समेत, टाइल समेत, तमाम चीज़ें मिला के, बस रेती की एक सुजुकी डाल लीजिएगा 1,500 की, इसमें 1,23,000 रुपये। ठीक है, मैंने पूरी अपनी कोशिश करी है कि मैं आपको इस वीडियो में समझाऊं कि किचन की नापतोल कैसे हो रही है और उसकी क्या कॉस्ट आ रही है। अब जैसे आप देखेंगे रनिंग फुट पे मैं नाप के दिखा रहा हूँ स्लैब की लंबाइयाँ, टोटल रनिंग लेंथ कितनी आ रही है, जो कि मैं बता चुका हूँ 20 फुट है, उसको जब आप 2 फुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। इसी तरह कैबिनेट की हाइट नीचे ऊपर 2.5 फुट होती है, और रनिंग लेंथ हमारी वही है यानी 40 फुट। नीचे वाले कैबिनेट तो उसी हालत में आएंगे, 40 फुट के अंदर अंदर लगेंगे, 40 फुट बाय 2.5 फुट। तो किचन का जो टोटल कवर्ड एरिया निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा। अच्छा, ये नोट कर लें, फर्श की से ऊंचाई 35 इंच रखी है, क्योंकि ये फिनिश फ्लोर लेवल जब होगा तो ये 32 इंच पे आ जाएगी, जो कि आइडियल हाइट है। फिर ये अगेन स्लैब की चौड़ाई दिखा रहे हैं हम, 24 इंच है। तो किचन की और ये ऊपर के कैबिनेट्स की हाइट को दिखा रहे हैं, जो आप 2.5 फुट रखेंगे, टाइल से ऊपर जो जाती है। इस तरह से ये किचन तकरीबन 80 स्क्वायर फुट का है, और इसकी कॉस्ट निकली है तमाम अप्लाइंसेस वगैरह और ग्रे स्ट्रक्चर को मिला के 1,23,000। तो आप एक काम करें, 1,23,000 को 80 से तकसीम कर लें आपके ऊपर, आपको मालूम हो जाएगा कि पर स्क्वायर फुट हमें क्या कॉस्ट आई है। हमने आपको प्योर कॉस्टिंग बताई है, इसमें कोई ठेकेदार का प्रॉफिट, कोई मार्जिन, किसी किस्म की कोई चीज़ शामिल नहीं है। ये देखें, ये मैं आपको नीचे से नाप के दिखा रहा हूँ स्लैब की टोटल हाइट, ये हमने 35 इंच रखी है मार्बल समेत, जब फर्श लगेगा 2.5 से 3 इंच का तो ये 32 इंच रह जाएगी। ये चूल्हे की चौड़ाई में आपको दिखा, 28 इंच से लेके ये 36 इंच तक के चूल्हे होते हैं, इसी तरह हुड भी 28 इंच से लेके 36 इंच तक होता है, जिसको हम चिमनी बोलते हैं। तो ये मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को तमाम चीज़ें इसमें बता दूँ, क्लियर कर दूँ। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होंगी चीज़ें, इसकी पैमाइशें और इसकी कॉस्टिंग। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी कॉस्टिंग की एक शीट जिक्र करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।